राज्य सरकार की ओर से 2500 होमगार्ड की नई भर्ती निकाली गई है, लेकिन भीलवाड़ा में इसका विरोध किया जा रहा है। यहां कार्यरत होमगार्डों ने सीएम गहलोत से ये मांग की है कि पहले उन्हें स्थायी किया जाए और उसके बाद नई भर्ती निकालें। राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन के सचिव श्यामलाल जारोठिया ने यह कहा कि प्रदेश में पहले से ही 28,054 होमगार्ड पंजीकृत हैं, उनमें से मात्र 10,000 जवानों को ही ड्यूटी दी जा रही है। ऐसे में नई भर्ती निकालने का कोई औचित्य ही नहीं है। राजस्थान की सरकार 2500 युवा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए होमगार्ड में भर्ती निकाली है, जिसके फॉर्म 10 जून से भरे जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा राजस्थान की सरकार से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सब राजस्थान के अंदर 28,054 होमगार्ड पहले ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और अभी वर्तमान में लगभग 16,000 जवान देश हित में और आप श्रीमान के आदेश की पालना करते हुए सेवाएँ दे रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि श्रीमान 16,000 के अलावा बाकी के जो जवान हमारे बचे हुए हैं जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा, उन जवानों को सबसे पहले रोज़गार दिलाने की व्यवस्था की जाए। अभी वर्तमान की स्थिति यह है कि राजस्थान के अंदर एक जवान को कम से कम 6 महीने से ज़्यादा ड्यूटी नहीं मिल पाती है, बाकी के जवान 6 महीना जो है बेरोज़गार हो जाता है। हम घर पर बैठ करके हमारे बीवी बच्चों को किस तरह से पालें, इसके बारे में राज्य सरकार को विचार करना चाहिए।